ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है SQL अल्टर कमांड। हम आपको अल्टर कमांड के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, इसका यूज़ हमें कब करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द अल्टर कमांड अलाउ अस टू अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक एड अ न्यू कॉलम, ड्रॉप अ कॉलम, रीनेम कॉलम, एड कॉन्स्टेंट एसेट्रा। अल्टर कमांड हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकें। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेबल, व्यू, सिनोनिम, इंडेक्स, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास कोई टेबल है, हमें उसमें अल्टरेशन करना है, मान लो एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हम अल्टर कमांड की मदद से कर सकते हैं। कॉलम को ड्रॉप करना है, फिर भी हम अल्टर कमांड यूज़ करके ड्रॉप कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं कॉलम के नेम को, कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं प्राइमरी की, यूनिक की। टेबल क्रिएट होने के बाद अगर आप उसमें कुछ भी अल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तब आपको अल्टर कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेरी हमारा क्या होगा अल्टर कमांड का, हाउ टू ऐड अ कॉलम। हम कॉलम कैसे ऐड करें किसी भी पहले से ही क्रिएटेड टेबल में। तो जो टेबल पहले से ही क्रिएट हो चुका है, अगर हमें उसमें एक और कॉलम अगर ऐड करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। अल्टर टेबल, यहाँ पे हमें टेबल का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद ऐड, ऐड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कॉलम का नेम लिखेंगे और कॉलम का टाइप बताएंगे कि किस टाइप का आप कॉलम बनाना चाहते हैं। इतना क्वेरी अगर आप लिखते हैं तो आपके टेबल में कॉलम ऐड हो जाएगा जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं। तो आप सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे डेटाबेस में एक EMP नाम का टेबल है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लिखेंगे DESC EMP, मतलब EMP टेबल का डिस्क्रिप्शन मुझे देखना है। तो आप देख सकते हैं दो कॉलम है हमारे इस टेबल में, एक है EID, एक है ENAME, और इनका टाइप देखो, इसका है नंबर और ENAME का टाइप है वायरचार। अब इनमें रिकॉर्ड क्या है, अगर मुझे रिकॉर्ड भी देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये देखो हमारे EID कॉलम में ये रिकॉर्ड है और ENAME कॉलम में ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक कॉलम और ऐड करना है अपने इस टेबल में। तो कैसे करेंगे, अल्टर कमांड की मदद से हम करेंगे। अल्टरिंग, टेबल को अल्टरिंग करने का ये काम करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। जैसे टेबल देखो पहले से ही क्रिएटेड है, अब एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, अल्टर टेबल, वही सिंटैक्स लिखेंगे, टेबल नेम, उसके बाद ऐड, मुझे एम्प्लॉय का सैलरी का कॉलम ऐड करना है, तो ESL हमारा कॉलम का नेम है और नंबर उसका टाइप है। ठीक है, टेबल अल्टर्ड। अब देखते हैं हम अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए एक और कॉलम ऐड हो चुका है, ESL टाइप है नंबर, जो अभी अभी हमने ऐड किया, इससे पहले नहीं था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंगल कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल कॉलम आपको ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो मल्टीपल अगर आपको ऐड करना है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट ओपन करो, कॉलम का नेम हम ले लेते हैं ई हेल्प, इसका टाइप रहेगा नंबर, उसके बाद एक और हम क्या ले लेते हैं ई एड्रेस, इसका टाइप हम ले लेते हैं वायरचार, और 10 कैरेक्टर लॉन्ग हमारा एड्रेस होगा। ठीक है, और इसको इस तरह से बंद करो। तो अभी एक साथ दो कॉलम ऐड होगा हमारे टेबल में, टेबल अल्टर्ड स्ट्रक्चर देखें हम। तो आप देखिए अभी ये दो कॉलम हमने अभी तुरंत ऐड किया अपने टेबल में, तो ये दोनों एक साथ ऐड हुआ हमारे EMP टेबल में दो कॉलम। तो इस तरह से आप अल्टर कमांड की मदद से बाद में भी अपने टेबल में कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेरी है हमारा, हाउ टू मॉडिफाई कॉलम। हम किसी भी पहले से ही एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नेम हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद मॉडिफाई कॉलम का नेम और उसका टाइप हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने एक कॉलम बनाया, वायरचार उसका टाइप है, और यहाँ पे हमने साइज़ दे दिया 10। अब हम यहाँ पे 20 कैरेक्टर लॉन्ग वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं इस कॉलम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, 10 को हमें 20 बनाना पड़ेगा। तो हम ये काम कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे हम किसी कॉलम को मॉडिफाई करते हैं। कॉलम मॉडिफाई करने से पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा, रीज़न क्या होता है जिसके चलते हम कॉलम को मॉडिफाई करते हैं बाद में। ठीक है, मान लो मुझे अपने EMP टेबल में एम्प्लॉय का नेम इनपुट करना है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू EMP, मुझे सिर्फ नेम इनपुट करना है, तो यहाँ पे ENAME कॉलम का नेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़,
और यहाँ सिंगल कोटेशन में मुझे मान लो एम्प्लॉय का नेम अखिलेश इनपुट करना है, ठीक है। मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे देखो एक एरर आ चुका है, वैल्यू टू लार्ज फॉर कॉलम, कॉलम का नेम, ठीक है। ई नेम कॉलम के लिए ये जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं अखिलेश, ये काफ़ी बड़ा है, आप ये इनपुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप ई नेम कॉलम का यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, हमने 5 कैरेक्टर लॉन्ग साइज लिया हुआ है, इसका मतलब हम 5 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा एम्प्लॉय का नेम इनपुट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम भी बता रहा है कि 5 कैरेक्टर तक का वैल्यू ही आप इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 कैरेक्टर साइज का ही हमने इसका टाइप बनाया है। तो अभी मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर मुझे ये इनपुट करना है तो कैसे मॉडिफाई करेंगे? मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल का नेम EMP, उसके बाद हमें लिखना है मॉडिफाई। अब आपको कॉलम का नेम लिखना है, जिस कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, ई नेम, और इसका टाइप है वर्कर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका साइज ले लेते हैं 10 कैरेक्टर लॉन्ग, टेबल अल्टर्ड। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कैसे अल्टर्ड, ये देखिए ई नेम कॉलम का अभी यहाँ पे साइज देखिए क्या बता रहा है, 10 कैरेक्टर लॉन्ग, इसका मतलब हमारा ये कॉलम मॉडिफाई हो चुका है। अब अगर सेम यही रिकॉर्ड मैं इनपुट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 रो क्रिएटेड, आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हमें कॉलम मॉडिफाई करना पड़ता है। ये देखो हमने सिर्फ नेम इनपुट किया है, इसीलिए सिर्फ नेम यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। अब हमारा तीसरा क्वेरी है, हाउ टू डिलीट अ कॉलम, किसी भी कॉलम को हम अल्टर कमांड की मदद से कैसे डिलीट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखो यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम आपको लिखना है, ड्रॉप कॉलम, उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम आपको देना है, तो वो कॉलम आपका टेबल से ड्रॉप हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप से मतलब ये है कि अगर अल्टर कमांड से हम किसी भी कॉलम को ड्रॉप करते हैं तो वो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर से परमानेंट हट जाएगा कॉलम, ठीक है। तो चलिए अल्टर कमांड की मदद से इस काम को कैसे करेंगे प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी आप मान के चलो कि मुझे अपने EMP टेबल के इस वाले कॉलम को क्या करना है, ड्रॉप करना है, इसे परमानेंट हटाना है। तो कैसे करेंगे? अल्टर कमांड की मदद से अल्टर टेबल, टेबल का नेम EMP, फिर आपको लिखना है ड्रॉप, और कॉलम कौन सा होगा, ई नेम कॉलम मुझे ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरी लिखा है यहाँ पे हमें कॉलम लिखना पड़ेगा। देखो अगर हम कॉलम ऐड करते हैं तब हमें ये कॉलम वर्ड नहीं लिखना पड़ता, लेकिन अगर हम ड्रॉप करते हैं तब हमें ये कॉलम वर्ड भी लिखना पड़ेगा। अभी देखो टेबल अल्टर्ड हुआ है, देख लेते हैं हमारा कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं हमारे टेबल से। तो यहाँ पे देखिए हमारा ई नेम जो कॉलम था वो हट चुका है, यहाँ पे पहले था लेकिन अभी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस के टेबल को, टेबल में जो कॉलम होता है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा 4th नंबर पे क्वेरी क्या है, हाउ टू रीनेम द कॉलम नेम, आप कॉलम को नेम को कैसे रीनेम कर सकते हैं अल्टर कमांड की मदद से। सिंटैक्स ये रहा अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको रीनेम लिखना है, रीनेम एक कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अपने कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा जिस कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग फील्ड नेम मतलब कॉलम नेम। उसके बाद टू लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये सिंटैक्स का पार्ट है और ये भी सिंटैक्स का पार्ट है ये दोनों। फिर आपको यहाँ पे न्यू कॉलम का नेम लिखना है, तो आपका जो कॉलम है वो रीनेम हो जाएगा, ये पुराना नेम हट जाएगा, नया नेम आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे आता है। मुझे अपने EMP टेबल के इस वाले कॉलम को क्या करना है, रीनेम करना है, इसका नाम है ई सेल, मुझे इसे ई सैलरी बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय के। तो कैसे करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नेम EMP, उसके बाद रीनेम हमें लिखना है क्योंकि हम रीनेम कर रहे हैं कॉलम, हमारे कॉलम का नेम है अभी ई सेल, ये पुराना नेम, उसके बाद टू, नया नेम हम क्या लेना चाहते हैं, ई सैलरी, टेबल अल्टर्ड, स्ट्रक्चर देखना चाहते हो देख सकते हो, DESC EMP। यहाँ पे देखिए रीनेम हो चुका है, ई सैलरी बन चुका है हमारा ई सेल कॉलम। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस में किसी भी टेबल के कॉलम को रीनेम कर सकते हो। हमारा 5th नंबर पे क्या क्वेरी है, हाउ टू रीनेम द टेबल नेम, हम टेबल के नेम को भी बदल सकते हैं, हम जब चाहें उसे रीनेम कर सकते हैं अल्टर कमांड की मदद से। कैसे होगा, अल्टर टेबल, उसके बाद आपको अपने टेबल का नेम यहाँ पे लिखना है,
उसके बाद रीनेम लिखिए टू न्यू टेबल का नेम आप ले लीजिए, यहाँ पे पुराना नेम होगा और यहाँ पे नया नेम होगा। अगर ये क्वेरी आप फायर करेंगे अपने डेटाबेस में तो आपका टेबल रीनेम हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अल्टर कमांड जो है वो ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है, जैसे टेबल के नेम को रीनेम करने के लिए, टेबल के कॉलम को रीनेम करने के लिए, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से ये डील करता है अल्टर कमांड। तो चलिए टेबल को रीनेम करके हम देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस emp टेबल को रीनेम करना है, इसका नेम मुझे चेंज करना है। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम हमारे क्या है emp, लेकिन मुझे इसे किस में बदलना है, मुझे इसे बदलना है एम्प्लॉय में। रीनेम टू, पूरा नेम हम लिखना चाहते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, टेबल अल्टर्ड। अब अगर हम क्वेरी मारते हैं, मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, तो अभी इस नाम से कोई भी टेबल हमारे डेटाबेस में नहीं है, लेकिन इसका नेम अभी अभी बदल के हमने एम्प्लॉय कर दिया, तो अब हमारा इस नाम से रिकॉर्ड दिखेगा। देखो जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, हमारा ये रिकॉर्ड आ चुका है। इसका मतलब हमारा ये वाला टेबल रीनेम हो चुका है एम्प्लॉय नाम से। हमारा अगला क्वेरी क्या है, हाउ टू ऐड अ कॉन्स्टेंट बाय द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। अगर आपने टेबल बना लिया है और आप कॉन्स्टेंट नहीं लगाए हैं, लेकिन आप बाद में लगाना चाहते हैं, तो आप अल्टर कमांड की मदद से कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, नोट नल चेक, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। आपको सिंटैक्स क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नेम आप लिखिए जिसमें कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं, जिस टेबल में, ऐड कॉन्स्टेंट, ये आपको लिखना है, सिंटैक्स का पार्ट है। उसके बाद कॉन्स्टेंट का नेम यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर आपको कॉन्स्टेंट का टाइप यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे मान लो वो प्राइमरी की है तो प्राइमरी की, यूनिक की है तो यूनिक की, इस तरह से। फिर वो कॉलम नेम देना पड़ेगा जिस कॉलम में आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं कॉलम में। मुझे अपने इसी एम्प्लॉय टेबल में क्या करना है, कॉन्स्टेंट ऐड करना है, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट कर दिया और क्रिएट करते समय हमने ऐड नहीं किया, मान लो हम भूल गए। अब मुझे ऐड करना है तो हम अल्टर कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो मुझे इस वाले कॉलम में यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है, ठीक है। आप चाहें तो प्राइमरी की भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिक रिकॉर्ड है, हम यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉई, उसके बाद ऐड कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट। उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट का एक नेम लेना है, तो जैसे हम नेम ले लेते हैं राज, आप कुछ भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं कॉन्स्टेंट का। अभी कॉन्स्टेंट का टाइप यानी किस टाइप का कॉन्स्टेंट आप लगाना चाहते हैं, मैं लगाना चाहता हूँ यूनिक की, ठीक है। अगर आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फील्ड नेम यानी कॉलम का नेम देना है कि किस कॉलम में लगाना चाहते हैं, हम eid कॉलम में लगाना चाहते हैं, एंटर। टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब हमारे इस वाले कॉलम में यूनिक कॉन्स्टेंट लग चुका है, अब हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, ठीक है। कॉलम का नेम हम लिख लेते हैं यहाँ पे eid, फिर वैल्यूज, क्या वैल्यू इनपुट करनी है मुझे, डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे मान लो मुझे 30 ही इनपुट करना है, तो क्या हम कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे eid का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, नहीं तो अभी एरर आता, मैंने कैपिटल D कर दिया, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस जो है केस सेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल D, स्मॉल D सब होता है। तो एरर आ चुका है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, यूनिक कॉन्स्टेंट वायलेटेड। इससे क्या पता चला कि इस eid कॉलम में यूनिक कॉन्स्टेंट लग चुका है, इसी वजह से हम दोबारा 30 वैल्यू इनपुट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपने पहले से ही क्रिएटेड टेबल में कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं। अब हमारा क्वेरी क्या है, हाउ टू ऐड फॉरेन की कॉन्स्टेंट यूजिंग अल्टर कमांड। अगर आप दो टेबल को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो जो भी हमारा चाइल्ड टेबल होगा उसके एक कॉलम में हमें फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगाना होता है। तो अगर आप क्रिएशन के टाइम में नहीं लगाए हैं, तो इस अल्टर की मदद से आप बाद में भी चाइल्ड टेबल में ये फॉरेन की कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम लिखना है, ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का नेम यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर आपको फॉरेन की लिखना पड़ेगा क्योंकि हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं। फिर फॉरेन की कॉलम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि किस कॉलम में आप इस कॉन्स्टेंट को अप्लाई करना चाहते हैं।
रेफरेंसेस, क्योंकि फॉरेन की कॉलम जो होता है वो एक रेफरेंस कॉलम मांगता है मास्टर टेबल का। मास्टर टेबल का नेम यहाँ पे फिर देना है और मास्टर टेबल का एक ऐसा कॉलम प्रोवाइड करना है आपको जिसमें प्राइमरी या फिर यूनिक की लगा हुआ हो, वही रेफरेंस बनेगा इस फॉरेन की का। तो चलिए हम फॉरेन की कांस्टेंट ऐड करके दिखाते हैं चाइल्ड टेबल में। सबसे पहले तो आप देखो अपने पास दो टेबल है, एक है एम्प्लॉय टेबल, ये हो गया हमारा मास्टर टेबल, और एक है स्टू टेबल, ये होगा हमारा चाइल्ड टेबल। तो हम जो फॉरेन की कांस्टेंट लगाते हैं वो चाइल्ड टेबल में ही लगाते हैं, ठीक है। मास्टर टेबल एम्प्लॉय, जैसे मास्टर टेबल में आप यूनिक या फिर प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं, जैसे हमने इस वाले कॉलम में लास्ट में अभी लगा के दिखाया प्रीवियस क्वेरी में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम है इस्टू, उसके बाद ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम हम ले लेते हैं, मान लो अभी ले लेते हैं कांस्टेंट का नेम रोहित, ठीक है। फिर हमको लिखना पड़ेगा फॉरेन, ठीक है, फॉरेन जी एन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, एरर मिलेगा फॉरेन की। फिर किस कॉलम में हम फॉरेन की लगाना चाहते हैं, इस वाले कॉलम में, तो ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। फिर आपको लिखना क्या है, रेफरेंसेस, क्योंकि फॉरेन की जो कॉलम होता है वो एक रेफरेंस कॉलम मांगता है मास्टर टेबल का, तो मास्टर टेबल का वही कॉलम आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें या तो यूनिक की या प्राइमरी की लगा होगा। तो इसमें लगा हुआ है यूनिक की, यूज़ कर सकते हैं। टेबल का नेम है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का कौन सा कॉलम, ई आई डी कॉलम। टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब हमारे इस वाले कॉलम में फॉरेन की लग चुका है, अब ये दोनों टेबल जुड़ चुके हैं, ये कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये टेबल और ये टेबल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं इस कॉलम और इस कॉलम की मदद से। हमारा 8th नंबर पे क्वेरी है, हाउ टू ड्रॉप अ कांस्टेंट। आप किसी भी कांस्टेंट को जब चाहें बाद में हटा भी सकते हैं अल्टर कमांड की मदद से। तो जितना भी मैंने आपको क्वेरी बताया वो एग्ज़ाम में पूछता है या फिर इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप डेटाबेस का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। कैसे कांस्टेंट को हम ड्रॉप कर सकते हैं यानी परमानेंट हटा सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नेम लिखो आप जिस टेबल के कांस्टेंट को हटाना चाहते हो, ड्रॉप कांस्टेंट ये लिखना है, सिंटैक्स का पार्ट है। उसके बाद कांस्टेंट का नेम यहाँ पे लिख दो, तो वो क्या होगा, आपके टेबल में जो कांस्टेंट लगा हुआ था किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में वो हट जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सच में हटता है कि नहीं हटता है। कांस्टेंट ड्रॉप करेंगे अभी हम, सबसे पहले हम अपने चाइल्ड टेबल इस टू का कांस्टेंट ड्रॉप करेंगे। तो इसमें जब हम कांस्टेंट अप्लाई किए थे तो आप देखो कांस्टेंट का नेम हमने लिया था रोहित, ये हमारे कांस्टेंट का नेम है, इसी नेम से ड्रॉप होगा। कांस्टेंट का टाइप है फॉरेन की लेकिन कांस्टेंट का नेम है रोहित। तो अभी हम ड्रॉप कैसे करेंगे, सिंपल सा हमें क्वेरी फायर करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ड्रॉप, नहीं हमको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नेम हो गया इस टू, उसके बाद ड्रॉप कांस्टेंट, ठीक है, ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम था रोहित मैंने अभी दिखाया। टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब हमारे इस टेबल के इस वाले कॉलम में जो फॉरेन की कांस्टेंट हम अप्लाई किए थे वो हट चुका है, अब नहीं है, ठीक है। अब इस वाले टेबल में भी हमने एक कांस्टेंट लगाया था इसके ईआईडी कॉलम में, यूनिक कांस्टेंट, तो जब हम उसको अप्लाई किए थे तो हमने उसका एक नेम दिया था। देखो जब हम एम्प्लॉय टेबल में कांस्टेंट ऐड कर रहे थे तो कांस्टेंट का नेम क्या था, राज था। तो अभी हम ड्रॉप करेंगे इसी नाम से, तभी ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नेम रहेगा अभी एम्प्लॉई, क्योंकि एम्प्लॉई का कांस्टेंट अभी हटाने जा रहे हैं। ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम है राज, ठीक है, जो नाम रहेगा उसी नेम से ये ड्रॉप होगा। टेबल अल्टर्ड, अभी हमारे दोनों टेबल से कांस्टेंट ड्रॉप हो चुका है, हट चुका है, अभी इनके बीच का कनेक्शन भी कट गया है। अब इसका यूनिक की कांस्टेंट हट चुका है, इसका मतलब इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू लेने की बात आ रही है यहां पे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एम्प्लॉई, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉई के ईआईडी में मुझे क्या करना, डुप्लीकेट वैल्यू डालनी है, वैल्यूज, वैल्यू देखो यहाँ पे 20 पहले से ही है, मैं 20 फिर से ले रहा हूँ,
तो अभी ये इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। देख सकते हो 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आपको अल्टर कमांड डिटेल में बताया। डेटाबेस जो होता है ना वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अभी देखो हमारा टेबल हमने इस नेम से क्रिएट करके रखा है, लेकिन अगर हम अपने टेबल को इस नेम से फेच करेंगे फिर भी हम इसके रिकॉर्ड को देख पाएंगे एम्प्लॉई। ये देखो, इससे ये पता चलता है कि डेटाबेस में आप सिर्फ सही नेम यूज़ करो, आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है।